शरद भाई साहब, मैं आपसे एक चीज बहुत स्पेसिफिक है, ये एकदम से लास्ट मिनट में हुआ कि मतलब शिंदे साहब को चीफ मिनिस्टरशिप और उसके बाद उनका नाम भी आ गया और ये किसी को नहीं पता था। इसका मेरे जो है कि बीजेपी शायद शिंदे साहब को खुली छूट नहीं देना चाह रही थी। बीजेपी चाहती है, मैं बस कंप्लीट कर लूंगा, प्लीज। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी चाहती थी कि जब भी कैबिनेट मीटिंग हो, जब भी कुछ हो, तो एक देवेंद्र फडणवीस साहब जो 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उनकी हैसियत वैसे भी उतनी ज्यादा रहेगी। वो एक अपना आदमी वहां चाह रहे थे, हु इज ऑलवेज देयर टू ओवरसी शिंदे साहब। शिंदे साहब को खुला वो नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि पूरे 2.5 साल जो आने वाले हैं, ये शिंदे साहब पूरा करेंगे कि कुछ चेंज ऑफ लीडरशिप? ये हुआ क्या? एक तो जनरल आप इस पे भी बताइए, क्या हुआ एकदम से? नहीं, बहुत बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले मैं थोड़ा सा उस पर भी कहना चाहूंगा, जो अभी आपने शर्मा जी से सवाल पूछा था, उस पर भी मैं कहना चाहूंगा। देखिए, वो ठीक है, वो टेक्निकल पोजीशन आज की जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है, उसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन कल ये रहेगी कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कल मुझे नहीं लगता है कि ये पोजिशन रहेगी, क्योंकि सबसे पहले वो क्लेम करेंगे शिंदे की असली पार्टी उनकी है। अभी तो बीजेपी ये भी करवाएगी ना ये, और इलेक्शन कमीशन आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं किस तरह फंक्शन करता है, और आज की डेट में गवर्नमेंट का कितना ज्यादा डोमिनेशन है, इन्फ्लुएंस नहीं डोमिनेशन है इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे, ये जग जाहिर है। तो जैसा वो चाहेंगे, मोस्ट कन्वीनियंट तरीका होगा कि हो सकता है बीएमसी इलेक्शन से पहले, क्योंकि झगड़ा वहीं पे आएगा, फ्रीज कर लें दोनों। जनरली ऐसा नहीं हुआ है हिस्टोरिकली, आप देखिए तो आसानी से कांग्रेस पार्टी के साथ भी यही हुआ था, तो सिंबल नहीं मिला, दो बैलों की जोड़ी हुआ करता था, फिर गाय बछड़ा हुआ, फिर हाथ का सिंबल हुआ, बार बार चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो फ्रिंज सिंबल फ्रीज कर दिया जाता है। और नए सिंबल पे लड़ना, पार्टी सपोर्टर्स तक वो मैसेज देना इजी नहीं होता। बॉम्बे लोकल लेवल पे शायद इजी हो, उद्धव ठाकरे के लिए ज्यादा इजी होगा, इनके लिए मुश्किल। बहरहाल वो भी बड़ा भारी क्वेश्चन है कि कितनी आसानी से वो सिंबल इनको रखने देते हैं उद्धव ठाकरे को। ये और ये डिपेंड करेगा एंटायरली बीजेपी पे किस तरह। ये वाला जो आपने सवाल पूछा, ये बड़ा स्पष्ट है, जो आपका कहना है कि कितने दिन चलेंगे ये वाला अरेंजमेंट जो किया गया है, ये बड़े मुझे लगता है ये मास्टर माइंडेड बाय द टॉप मैन, दैट इज मुझे तो लगता है ये नरेंद्र मोदी के अलावा किसी का इतना जबरदस्त ये स्ट्रेटेजिक मूव नहीं हो सकता। और ये एक तरीके का, उसी तरीके का स्ट्रेटेजिक मूव है जैसा उनको मात खानी पड़ी थी जब शरद पवार ने इंटरवीन करके और सरकार का ये उनको पलट दिया था, और शिवसेना की सरकार उद्धव ठाकरे की बनवा दी थी। ये उसी का एक जवाब है मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने ये दिखलाना है, बीजेपी बड़े अभी तक बीजेपी कहती थी हमसे क्या लेने देना है, तो अब वो दिखाएंगे कि देखिए हम कितने लार्ज हार्टेड हैं, हमें कोई सत्ता से प्रेम नहीं है। जो सत्ता के ज्यादा प्रेमी होते हैं वो हमेशा ये चीज प्रोजेक्ट करने का पूरा प्रयास कर, आपसे बेहतर कौन जानता। तो वो ये मैसेजिंग होगी कि साहब देखिए सत्ता से प्रेम होता तो हमारा आदमी तो मुख्यमंत्री बना ही हुआ था, सब तैयार था, और हमने अपने जो चीफ मिनिस्टर रह चुका है 5 साल उसको बोला कि नहीं कोई बात नहीं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनके पूछे, तो देख लीजिए कितना। लेकिन इसके पीछे बिल्कुल ये है, वो जो आपको जो शक आपने जो जाहिर किया दबे लफ्जों में आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर फडणवीस ही रहेंगे, और डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर साल भर तक बहुत बढ़िया चलेगा अरेंजमेंट, 6 महीने इसके बाद आप देखिएगा बिकरिंग शुरू हो जाएगी, जब ये होगा कि भाई चलती तो उनकी है। और इससे ये भी चीज अभी आप देखिएगा, जब ये झगड़ा तो अभी इस पे आएगा कितने शिवसेना के भर्ती किए जाए मंत्री परिषद में और कितने उनके आएंगे, कितना भी कर लें शिंदे, अब शिंदे इस वक्त बिल्कुल आसमान पर हैं उनकी, तो 6 महीने तक तो शांत रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये शुरू हो जाएगा कि भाई मुख्यमंत्री तो मैं, क्योंकि किसी सूरत में इसमें शिंदे की बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। ये बड़ा अच्छा तरीका है, बड़ा स्टाइल, और इसका इसकी महारत हासिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और मुझे लगता है कि वो इसमें इनको कोई बीट नहीं कर सकता, इस तरीके के जो पॉलिटिकल ड्रामा किया जाता है, और जबरदस्त ड्रामा है ये, और इसमें कोई शक नहीं है कि डोमिनेशन रहेगा फडणवीस का, सरकार कहने को मुख्यमंत्री वो होंगे, और 2.5 साल बड़ा लंबा पीरियड है, 1 साल के बाद आप देखेंगे क्या होता है, फिर से उथल पुथल होगी, तब तक ये जरूर है कि वो पूरी कोशिश करेंगे
अभी तो अक्टूबर नवंबर में बीएमसी चुनाव है, तब तक बड़ा स्मूथ चलेगा, प्रॉब्लम आएगी उसके बाद। शरद भाई, मैं एक और बहुत स्पेसिफिक चीज, जो विद्या जी ने भी जिस बात को कहा, पिछले चार छह दिन से आप देख रहे हैं एक बीजेपी की आदत हो गई, किसी के ऊपर भी कुछ आरोप लगा दो। वो एक आदमी बैठा है जो दाऊद के साथ है, जो अरे भाई अगर दाऊद के साथ है तो फांसी लटका दो ना, मुकदमा चलाओ कोर्ट से वो करो, और अगर इस देश में सजा है कि दाऊद के साथ कोई आदमी है तो उसको फांसी पे लटका दो अगर इस देश का कानून कहता है। लेकिन ये बहुत कॉमन चीज है कि आप किसी के ऊपर कोई आरोप लगा देते हैं और इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। तीसरा सीधे बात को आप एफआईआर करने वाली को पकड़ के ले जाके जेल में बंद कर देते हैं, और एक झूठा आरोप एक आतंकवादी के ऊपर जो इस देश का एक दुश्मन माना जाता है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबल लोग, मैं इस पे पूछ रहा हूँ क्योंकि इस पे कोई पूछने वाला नहीं है, क्या इस पे इलेक्शन नहीं हो सकता है? शरद भाई देखिए, नहीं, ये आप एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि इस पे होना चाहिए, आज की डेट में आइडियल सिचुएशन नहीं है। आजकल जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी किसके पास है आपको पता है? तो ऐसी सिचुएशन में डोंट एक्सपेक्ट लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेल, अभी हमारी विम्स पे काम चलेगा, जो हम चाहेंगे वो होगा, ये रजवाड़ा है। तो इसमें तो आप एक्सपेक्ट ही मत करिए कि कोई आइडियल सिचुएशन, आज की डेट में आपने देखा है फॉल्स नैरेटिव कैसे बिल्ड किया जाता है। आपने छोड़ दिया कोई शगुफा, छोड़ दिया इतना सारा मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको बड़े सही लफ्जों में किसी ने गोदी मीडिया कहा है वो, और बड़े लार्ज स्केल में है वो, मोस्ट ऑफ द चैनल्स आर पार्ट ऑफ दैट क्लैन। तो उसमें जब वो बिल्ड करता है, वो नैरेटिव बिल्ड करने में हेल्प करता है, तो वो सब जगह में से हाँ साहब ये तो दाऊद के आदमी है। तो आप एक झूठ को 100 बार, बड़ी अच्छी पुरानी कुछ लोगों की ये आइडियोलॉजी रही है कि फिलॉसफी रही है कि आप एक झूठ को 100 बार बोलिए तो आदमी अपने सच को भी भूल जाता है कि हाँ नहीं नहीं शायद यही सच है। इसमें करने में इनको महारत हासिल है, और ये फॉल्स नैरेटिव्स बिल्ड करके ही तो थ्राइव कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, खाली हम डाइग्रेस कर रहा हूं पॉइंट से, कि नरेंद्र मोदी जी का वो ब्लॉग छपा, अब उसमें लिखा हुआ क्या कि जो उनकी मदर, उनकी नानी के डेथ स्पैनिश फ्लू में हुई, वो 1918 में आया, और मदर का पैदाइश उन्होंने बताई, बदलती रहती है, 2014 में कुछ और थी, अब हो गई है कि वो 1923 में पैदा हुआ, 1922। तो नाउ अगर 22 नहीं, कभी 23 बोलते, कभी 22 बोलते, कभी कुछ, क्योंकि जब 14 में जब बात आई थी, ये पहली बार मदर दिखाई गई थी वो 3-व्हीलर में चलते हुए, तो तब बताया गया था कि 84 वर्ष की हैं। मुझे याद है मैं CNN के उसमें पैनल पे था, नेशनल इलेक्शन के उसमें, और ये बात आई थी, बहरहाल वो तो अब अपनी, लेकिन आपने देखा कहीं मीडिया में डिस्कशन इस पे? यही कोई और पॉलिटिकल लीडर कर दे, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वो बालाकोट वाला सुनाई है आपने, कब कितने द्वारा वो 1987 में कैमरा था, डिजिटल कैमरा था, 1990 उन्होंने वो 1991 वो 1987 में ईमेल भी था उनके पास, दुनिया में नहीं था, इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं था, कैमरा तो था ही नहीं 1995 में कोडाक कंपनी ने बनाया, लेकिन उनके पास था आईडी। तो ये चीजें जब ये सब डाइजेस्ट करी जा सकती हैं और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है तो फिर उसकी बात ही क्या है। तो जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहेंगे, जब आपके पास वो पावर है टू कंट्रोल द मीडिया टू स्प्रेड एनीथिंग दैट यू वांट टू स्प्रेड, तो फिर आप कोई करेंगे। शरद भाई साहब, बस आप क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे ले लूं कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, एंड ऑफ द डे मुझे एक चीज ये लग रही है कि जो फडणवीस साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं ना, क्योंकि बहुत कुछ आपको भी पता है, दे प्ले फॉर गैलरी। जुबैर को केवल इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि नूपुर शर्मा को लेके बहुत ट्रोल हो रहे थे इनके नेतृत्व, तो इनको लगा कि ये इनको कुछ देने के लिए कहो कि नहीं जुबैर को हमने किया। उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस साहब को, वो दो बार बेचारे लड्डू खाए, लेकिन उन्हें, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव भी होगा बीजेपी के लिए? क्योंकि जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं जो भक्त लोग हैं उनको, उनके उनकी दुखती रंग है। ठीक, तो देखिए वो बड़ा स्ट्रेटेजिक गेम है, तो उन्होंने लार्जर ऑडियंस को ये बात बता दी कि हम सत्ता के लिए नहीं काम करते हैं, हम तो फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमने एक छोटी सी पार्टी के उस नेता को बना दिया जो बहुत ही छोटे स्तर से उठा था, उसको हमने मुख्यमंत्री बना दिया, और अपना जो हमारा जो 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका था उसको हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया हमने, और जिससे कि बीजेपी वालों को भी ये तसल्ली रहे कि हाँ है, और उनको दिखा रहे हैं हम कितने लार्ज हार्टेड हैं।
हमारा दिल इतना बड़ा है, हम इतने उदार दिल हैं, और हम केवल इसके लिए काम करते हैं क्योंकि अपनी आइडियोलॉजी हमारी इफेक्ट हो रही थी, जो बेसिक इश्यूज थे, तो हमने वापस शिवसेना को खड़ा कर दिया एक तरफ, ये भी दिखाना है। और हम जो है उनके सेकंड नंबर टू पोजीशन पे हमने अपना आदमी बैठा दिया, और उससे एक ये माहौल बिल्ड कर रहे हैं और एक फॉल्सहुड, ये क्यों फॉल्सहुड में बहुत ये बिलीव करते हैं, तो एक किसी आडंबर के तहत जो इस तरीके का फसाद बिल्ड करते हैं, तो मैसेज बड़ी दूर तक तो जाता है। आज देखिए बीजेपी वाले कह रहे हैं, देखिए हमने तो भाई अपना आदमी कोई बात नहीं है, हमें तो जो है मेन चीज वहां जाति हो रही थी मराठियों के साथ, महाराष्ट्र के साथ जाति हो रही थी, तो हमने उसको दूर किया और हमें कोई लालच नहीं था, हमने तो ठीक है भाई बैठा दिया अपने आदमी, और अपने आदमी को एक लोअर लेवल पे बैठा दिया। तो ये सारी मैसेजिंग फॉल्सहुड फसाद, ये जो चीजें है ना, दिखावा, दिखावे के तहत जो मैसेजिंग करते हैं वो अल्टीमेटली वोट के लिए। और आप देखिएगा अभी जैसे मैंने कहा पहले भी कि ये बीएमसी का इलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, बंबई में माना जाता है कि एमएलए से ज्यादा आदमी जो बीएमसी का अगर काउंसलर जो है वो एमएलए से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है वहां पे, और क्योंकि वहां पे बीएमसी पैसा बहुत है, तो ये इस इलेक्शन को भी इनको किसी तरह से शिवसेना के जो जो बाल ठाकरे वाली यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उससे किसी तरह निकालने का ये प्रयास है, और ये तभी तक है, उसके बाद अब देखिएगा क्या कहानी बनती है।